नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत और आज हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 31। हमने मॉक 1 से तक हमने अपलोड कर दिया है आपके लिए। सारे मॉक टेस्ट यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए हैं जो आप देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन आपके स्टैटिक के हैं, करंट अफेयर दोनों के होंगे। तो हमारे जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं 2021 की और 2022 की, उनके लिए भी ये वीडियोज़ रेलिवेंट रहेंगे। ये हमारा जो मॉक टेस्ट है वो डेली आता है आपके लिए, आप इसे देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऐड सुमंत पर। टेलीग्राम ऐप जो है वो ओपन कीजिएगा, वहाँ पर आप जो ऐड सुमंत है ADSUMANT ये सर्च कीजिएगा, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर मेरे सारे वीडियोस और मेरे सारे पीडीएफ्स अवेलेबल मिलेंगे। यूट्यूब के वीडियो के अलावा हम लाते हैं आपके लिए कोर्सेज यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए स्टैटिक पोर्शन पे, जहाँ हम जो हमारे टॉपिक होते हैं इंडियन पॉलिटिक गवर्नेंस के, ज्योग्राफी के, आपके आर्ट एंड कल्चर के, इनको हम पूरा टॉपिक वाइज कवर करते हैं इन एमसीक्यूज के जरिए। जो क्वेश्चंस होते हैं ये हमारा एक जो ये आपका एक बहाना होता है एमसीक्यूज के, हमें ये टॉपिक कवर करने बस एक हिंट होता है। क्वेश्चन के में एक फ़ायदा ये होता है कि आप हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं उन टॉपिक पर जो थोड़ा सा मतलब ट्विस्टिंग होता है, जहाँ पर आप कन्फ्यूजन जैसे कि हो जाता है आपको। तो होता क्या ना, कई बार आप पढ़ते हैं मगर आप सवाल नहीं सॉल्व कर पाते, तो इसलिए ये कोर्स आपके लिए लाया गया है। ये प्रैक्टिस कोर्स है, सारे कोर्स हम करेंगे एमसीक्यूज के जरिए और हर कोर्स में 20 लेसन 25 लेसन ऐसे करके हमने ऐड किया ताकि हमारा पूरा जो टॉपिक है कवर हो जाए। तो इन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं जो SNLIVE ये कूपन कोड है, इसे इस्तेमाल करके। आप अगर ये कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो आप मेरे कोर्स तो देख ही पाएंगे, जो बाकी टीचर्स हैं हमारे यहाँ अकेडमी के उन सबके आप वीडियोस देख पाएंगे। अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो आप वीडियोस देख पाएंगे, आपको जो डिस्काउंट है 10% का ये भी मिलेगा। तो आप इस कोर्स को जैसे कोड को यूज़ कर सकते हैं आप, जैसे कि आपको लेना है तो अगर आपको किसी दोस्त को लेना है तो ले सकते हैं, आप उन्हें भी कह सकते हैं कि ये कोड यूज़ करें। कैसे करना है सब्सक्राइब आपको पता है, ऐप ओपन कीजिएगा, यूपीएससी में जाइएगा, जो टाइम ड्यूरेशन है वो चेंज कीजिएगा, चेक कीजिएगा अपना कितने महीने ज्वाइन करना चाहते हैं, 12 महीने 24 महीने, और वहाँ पर आप फिर आप कोड लगा के पे कर सकते हैं। आपको यहाँ पर इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, कोई कैशबैक नहीं, कुछ भी वो सब नहीं, सीधा आपका जो चार्ज है वो कम हो जाएगा, ठीक है, इसे कहते हैं इंस्टेंट डिस्काउंट। चलिए सवाल सॉल्व करते हैं अपना। जो पहला हमारा सवाल है वो है इमरजेंसी के ऊपर, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉलिटी का। द रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग द कंटिन्यूएशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब कि पार्लियामेंट के दोनों सदन हैं, क्या उनके दोनों के द्वारा पास किया जाएगा आपका रेजोल्यूशन जो डिसअप्रूव करता हो जैसे कि जो चल रही होती है इमरजेंसी उसका डिसकंटिन्यूएशन। दूसरा, प्रेसिडेंट में रिवोक द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बाय अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेंट विदाउट एनी पार्लियामेंट अप्रूवल, मतलब कि क्या इमरजेंसी को विथड्रॉ करने के लिए हमें पार्लियामेंट की अनुमति नहीं चाहिए होती है। इनमें से क्या गलत है आपको यहाँ पर ये बताना है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। बढ़िया, श्रेया हेलो, शिवा पटेल, श्रवण ने कहा है आंसर बी। और अशोक का कहना है आंसर बी, ठीक है। और यहां पे कौन सा गलत है ये पूछ रहा है, कौन सा सही है ये नहीं पूछ रहा है। इमरजेंसी के कंटिन्यूएशन को डिसअप्रूव करने के लिए, मतलब मान लो चल रही है इमरजेंसी, तो पार्लियामेंट अगर चाहता है कि इमरजेंसी ना चले तो क्या दोनों सदनों को पास करना पड़ेगा रेजोल्यूशन या एक सदन से काम हो जाएगा। मुकेश का आंसर है बी, वैभव का आंसर है बी, अशोक गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। देखिए, प्रेसिडेंट
कैसे कर सकता है रिवोक प्रोक्लेमेशन को? क्या उसके लिए केवल एक दोबारा पास करना पड़ेगा प्रोक्लेमेशन बिना पार्लियामेंट्री अप्रूवल के? अशोक का आंसर सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहां पे देखो बात यह है कि जो इमरजेंसी अगर चल रही है और पार्लियामेंट उसको डिसकंटिन्यू करना चाहे तो केवल लोकसभा का जो जैसे कि उसका जो है ना असहमति, बस वही काफी होगा। अगर लोकसभा पास करता है रेजोल्यूशन और ये कहता है कि हम इमरजेंसी डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो वहां से इमरजेंसी डिसकंटिन्यू हो जाएगी। आपको दोनों सदन का परमिशन लेना जरूरी नहीं है, ठीक है। देर इज नो नीड ऑफ बोथ द हाउसेस टू पास द रेजोल्यूशन, ओनली लोकसभा रेजोल्यूशन विल सफाइस। तो मेरा यहां पर पहला क्या हो गया, पहला मेरा यहां पर गलत हो गया। दूसरा देखो, प्रेसिडेंट रिवोक कर सकता है इमरजेंसी को, प्रेसिडेंट इमरजेंसी को हटा सकता है बिना पार्लियामेंट्री अप्रूवल के, केवल एक प्रोक्लेमेशन पास करके, जिस तरह से इन्होंने इमरजेंसी लगाया था पास करके प्रोक्लेमेशन, उसी तरह से ये लोग हटा भी सकते हैं। बात क्लियर है? यहाँ पर मेरा दो है जो सही है। आपको पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आप प्रेसिडेंट खुद अकेले हटा सकता है इसको। तो क्या आंसर हुआ? आंसर मेरा हुआ ए, वन ओनली इज नॉट करेक्ट, क्योंकि दो तो मेरा सही है, ठीक है ना। चलिए अगला मेरा सवाल है, आप राष्ट्रपति को इम्पीच कर सकते हैं किस कारण से? फॉर वायलेटिंग द संविधान, डिसरिगार्डिंग द पार्लियामेंट, फॉर नॉट अबाइडिंग द एडवाइस ऑफ द पीएम, ऑल ऑफ द एबव। क्या आंसर है इसका? अच्छा, अगर मैं यहां पर पीएम के जगह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रख देता तो आंसर क्या होता, जरा मुझे बताइए। पहले ये बताना कि अभी आंसर क्या है, पहले बताओ अभी आंसर क्या है। श्रद्धा वेलकम, अमन शुक्ला, पंकज, राहुल प्रजापति, जब तक ग्रुप में चैनल पे लिंक नहीं जाता तब तक तुम लोग आते नहीं है ना। रिपु, वैभव, गुड इवनिंग। बिल्कुल, प्रेसिडेंट कभी भी कर सकता है डिसकंटिन्यू। ठीक है, मुकेश का आंसर बढ़िया है, ठीक है। अभी बताओ, अगर मैं पीएम के जगह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रख देता तो क्या आंसर होता? क्या यहां पर मोर देन वन सही होता? श्रेया पांडे सही आंसर है, श्रद्धा सही आंसर है, ठीक है। वैभव, श्रवण, प्रकाश, अमन, अशोक, रिपु, सब बढ़िया जवाब, राहुल का भी बढ़िया है, ठीक है, सही है। ये बताओ, प्रेसिडेंट कैसे काम करता है? प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द पीएम, ठीक है ना। तो अगर वो केवल पीएम का एडवाइस को अबाइड नहीं करता तो ये संविधान का उल्लंघन नहीं होगा। मगर अगर ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है अगर इसके एडवाइस का उल्लंघन करता है तो ये तो संविधान का उल्लंघन हो जाएगा। मतलब जो सी है वो एक एग्जाम्पल हो जाएगा ए का, समझ रहे हो बात? वायलेशन ऑफ संविधान, ठीक है ना, ये आपका क्राइटेरिया है, ये आपका उस क्राइटेरिया का एक एग्जाम्पल है। क्लियर है? ठीक है ना। यहां पे तो डी कैसे होगा? अरे बी थोड़े है आंसर, डिसरिगार्डिंग द पार्लियामेंट, क्या मतलब थोड़े कम करता है पार्लियामेंट के एडवाइस पे। क्लियर है? तो मेरा यहां पर आंसर होता ए और सी। क्लियर है? चलिए यहां हम पढ़ेंगे कि कैसे इम्पीच करते हैं पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट को इम्पीच करने के लिए जो रेजोल्यूशन है वो पास करना पड़ता है दोनों सदनों के द्वारा, और ये जो इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन है ये पास कर सकता है, इसको इनिशिएट कर सकता है कोई भी हाउस, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, ठीक है। जो
क्राइटेरिया होता है वो होता है वॉयलेशन ऑफ संविधान। मगर संविधान जो है ये वॉयलेशन का मतलब क्या है ये डिफाइन नहीं करता। संविधान डज नॉट डिफाइन कि क्या मतलब है इस फ्रेज का वॉयलेशन ऑफ द संविधान का। जो इम्पीचमेंट है इसको हम इनिशिएट कर सकते हैं किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, मगर जो रेजोल्यूशन है जो चार्जेस हैं इसको साइन करना पड़ेगा कम से कम 1/4 ऑफ द मेंबर का। मान लो कि ये शुरू होता है लोकसभा में, तो लोकसभा का जो 1/4 मेंबर है पहले वो साइन करेगा और 14 दिन का जो नोटिस है वो भेजेगा राष्ट्रपति जी के पास। ठीक है, जब ये रेजोल्यूशन पास होता है मेजोरिटी ऑफ द 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप द हाउस, इसके बाद ही भेजते हैं हम लोग दूसरे सदन में, वहाँ पर चार्जेस को ये इन्वेस्टिगेट करता है और वो भी सेम मेजोरिटी से पास करेगा। कौन सी मेजोरिटी? मेजोरिटी ऑफ द 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। समझ रहे हो बात? टोटल मेंबरशिप, नॉट प्रेजेंट एंड वोटिंग, ध्यान रखना टोटल मेंबरशिप कह रहा है। प्रेसिडेंट को अधिकार होगा वहां पर अपियर होने का, चार्जेस को सुनने का। बात क्लियर है? चलिए, अगर दूसरा सदन भी 2/3 मत से पास कर देता है तो प्रेसिडेंट को हटा हुआ इम्पीच्ड मान लिया जाएगा। अब देखो, प्रेसिडेंट को चुनता है कौन? इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। ठीक है, ध्यान देना, जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल है मतलब कि विधान परिषद जो है ये पार्टिसिपेट नहीं करता प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अब देखो रिमूवल का, रिमूवल वाले केस में जो लोग नॉमिनेटेड थे वो भी पार्टिसिपेट करेगा क्या? ठीक है, बताओ। ये जो इम्पीचमेंट है आपके प्रेसिडेंट का वो एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, मतलब कि जो पार्लियामेंट है पार्लियामेंट जुडिशरी का पार्ट नहीं है मगर फिर भी ऑर्डर पास कर रहा, इसको बोलते हैं क्वासी जुडिशियल। क्लियर है? अगर कोई बॉडी जुडिशरी का पार्ट नहीं है मगर फिर भी वो जजमेंट पास कर रहा वो कहलाएगा क्वासी जुडिशियल बॉडी। ठीक है, आप दो चीज़ें नोट कीजिए, जो सदस्य होंगे मनोनीत आपके राज्यसभा के लोकसभा के, दे कैन पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट बट दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन हिज इलेक्शन। बात क्लियर है? जो मेंबर हैं इलेक्टेड राज्य की विधानसभा के वो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में मगर रिमूवल में वो पार्टिसिपेट नहीं करते। रिमूवल में केवल लोकसभा केवल राज्यसभा ही पार्टिसिपेट करता है। क्लियर है? इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों। अगला मेरा सवाल है हमारी इकोनॉमी का, क्वार्टरनरी सर्विसेज और क्वार्टरनरी सर्विसेज के बारे में। व्हाइल क्वार्टरनरी एक्टिविटीज आर संबंधित टू आईटी सर्विसेज, क्वार्टरनरी सर्विसेज आर संबंधित टू फाइनेंस सर्विसेज। क्या सही है यहाँ पे? सेकंड, क्वार्टरनरी क्या करता है? प्रोसेस इंफॉर्मेशन को। व्हाइल क्वार्टरनरी एक्टिविटीज पर्टेन टू डिसीजन मेकिंग, एग्जाम्पल दिया गया है आपके क्वार्टरनरी का और क्वार्टरनरी एक्टिविटीज का, बताना है कि इनमें से कौन सी बात सही है। सिंपल सा क्वेश्चन है इकोनॉमी का। तीन, देखो तीन तो आपका हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, मतलब कि जो आपका फार्मिंग सेक्टर है वो सब, ये आपका हो गया प्राइमरी। दूसरा आपका हो गया मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा आपका हो गया सर्विस। ठीक है ना, फिर उसके बाद आपका दो और आता है, क्वार्टरनरी और क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। राहुल प्रजापति, अभी तक कोई भी प्रश्न में पीछे नहीं हुआ है। क्या आंसर है इसका? अजय कह रहे हैं सी, बोथ वन एंड टू। जो क्वार्टरनरी सर्विस होता है ना वो डील करता है आपके इंफॉर्मेशन के कलेक्शन से, प्रोडक्शन से, प्रोसेसिंग से और डिसमेशन से, मतलब कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसको प्रोड्यूस करना, उसको मैनेज करना,
उसको प्रोसेस करना और उसको वापस फैलाना, डिसिमेट करना। इससे ये क्या होता है, इन्फॉर्मेशन से अगर कोई डील करता है तो हम कहते हैं कि वो क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ में लिप्त है। अगर वो डील करता है आइडियाज़ से तो हम कहते हैं कि वो जो हमारा क्विनरी एक्टिविटीज़ है उसमें लिप्त है, उसमें काम कर रहा है। क्या आंसर है जी? बिल्कुल अशोक, क्विनरी हाई डिसीजन बॉडी होता है। चार्ज लगा था मगर कांग्रेस ने फिर वो पीछे हट गया था। क्या आंसर है इसका? ठीक है, जो क्विनरी है वो संबंधित है आपके डिसीजन मेकिंग से, आपके आइडिया से। जो क्वार्टनरी सर्विसेज होती है ना, ये संबंधित है आपके इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने से। तो मेरा 2 तो मेरा सही है। ठीक है, अब आती है बात पहले का। ये तो सर्विस का पार्ट है ना, ये तो पार्ट सर्विस का है ना, टर्शियरी एक्टिविटी। क्लियर है? तो मेरा आंसर क्या हो गया? ये बी हो गया आंसर, पहला गलत है। चलिए अगला जो मेरा सवाल है कि इनमें से कौन सा सही है रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज अ डिस्ट्रिक्ट जज। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट जज बनना है तो आपके पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके बारे में कौन सी बात सही है। क्या उसके पास एक एडवोकेट होने का, एक प्लीडर होने का कम से कम 10 साल का होना चाहिए एक्सपीरियंस? ही शुड बी इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। क्या उसे केंद्र सरकार या सरकार का मतलब एक कर्मचारी होना पड़ेगा? ही शुड बी रिकमेंडेड बाय द हाईकोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट। क्या उस व्यक्ति को हाईकोर्ट जैसे कि रिकमेंड करेगा एज अ डिस्ट्रिक्ट जज? चौथा, ऑल ऑफ द अबव, चार में कौन सा सही, मुझे ये बताइए। अमन, मैंने बताया ना कि पहले वाले में जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो सिर्फ सेक्टर पार्ट है, वो ना क्वार्टनरी का है ना क्विनरी का है, तो उसने गलत हो गया। जो ट्रांसपोर्ट हो गया आपका, बैंकिंग है, फाइनेंशियल सेवाएं हैं, सारा पार्ट है आपका सर्विस सेक्टर का ना। ठीक है, समझ गए आप? राहुल का आंसर है सी, पंकज ए, अजय सी, संजय सी, अमन शुक्ला ए, सफी का मत है सी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, सही आंसर है अजय का, संजय का और सफी का। रिपु, सही आंसर है। और बिल्कुल श्रवण, 7 साल है वो वाला, बहुत सही बताया आपने। एडवोकेट होना पड़ेगा आपको कम से कम 7 साल के लिए, और आपको किसी भी केंद्रीय या फिर राज्य सरकार का कर्मचारी नहीं होना है। यू शुड नॉट बी इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। बी तो गलत हो गया, यहाँ पर 7 साल है तो आपका ए गलत हो गया, है ना। सी मेरा आंसर आ गया, उसे हाईकोर्ट के द्वारा रिकमांड किया जाना पड़ेगा तभी उसको एज अ डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला मेरा जो सवाल है वो है पंखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। ये कहाँ पे है जी? अरुणाचल में है, मणिपुर में है, मेघालय में है, नागालैंड में है, कहाँ पे है? जो पंखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन से राज्य में है? अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, क्या सही है यहाँ पे?
ठीक है। सफी, पंकज, श्रेया, अशोक, अजय, अरुणाचल। सही आंसर है आपका, बढ़िया। ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में, इसे डिक्लेयर किया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1977 में। पहला सही है, अरुणाचल मेरा सही आंसर है। इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1977 में। कौन सा कानून है सर? कानून है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये जो कानून है इसके अंतर्गत इस सेंचुरी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1977 में। इसे डिक्लेयर किया गया है टाइगर रिजर्व 2002 में। क्या डिक्लेयर किया गया है? टाइगर रिजर्व 2002 में। जो NTCA है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये भी एक स्टेचुअरी बॉडी है। क्लियर है? अगर ये वैधानिक बॉडी है सर, तो इसका एक्ट कौन सा है? एक्ट यही वाला है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक, मेरा आंसर है ए। इसमें आपको मिलता है सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट और ईस्टर्न हिमालयन ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट। चूंकि यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सदाबहार वन है, इसलिए जो जंगल है ना पूरा लेयर्ड है। लेयर्ड की मतलब नीचे आपको मिलेगा श्रब, उसके ऊपर मिलेगा पेड़ और इसके ऊपर मिलेगा उससे ऊंचा वाला पेड़। मतलब कि अलग अलग लेयर में जो वेजिटेशन है वो बटा हुआ है। क्लियर है? अगला मेरा सवाल है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में। इसे रिलीज किया गया था किनके द्वारा? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चारों में से कौन सी बात सही है मुझे बताइएगा। चारों में कौन सी बात सही है? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। राहुल का कहना है WTO, श्रेया कह रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सफी ए, पंकज डी, अजय बी और आपको मैंने पढ़ाया था लॉजिस्टिक्स के बारे में, याद है? ये जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है ना, इसमें दिखाता है कि किसी कंट्री का जो लॉजिस्टिक सर्विस है वो कितना एफिशिएंट है। अगर किसी कंट्री में ट्रांसपोर्ट सेक्टर सस्ता होगा, अगर वहाँ पर पैकेजिंग में कम खर्च लगता है, अगर चीज़ें जल्दी से होती हैं, अच्छे से होती हैं, पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, तो क्या बोलेंगे? वहाँ कंट्री का जो लॉजिस्टिक्स है बढ़िया है। जैसे कि चाइना है, उसका बहुत अच्छा है, US का बहुत अच्छा है लॉजिस्टिक्स, ठीक है ना? ये जो इंडेक्स है वो निकालता है आपका वर्ल्ड बैंक। क्लियर है? सही आंसर है मुकेश का, श्रवण का, अशोक का, रिपू का और सफी का। ठीक है, ये जो आपका परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसे निकालता है वर्ल्ड बैंक। ये मेरा सही है। देखो, जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है ये निकालता है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इनोवेशन इंडेक्स है इसे निकालता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। देखो, इनोवेशन संबंधित है आपका इंट्रोडक्शन, जैसे कि आपका इनोवेशन से अगर आप इनोवेट करेंगे तो
तो क्या होगा, ये आपकी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी। तो कौन निकालेगा इसको, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। क्या आंसर है इसका, ए वर्ल्ड बैंक। अगला मेरा सवाल है प्रेसिडेंट रूल के ऊपर। अच्छा बताओ, अभी कमलनाथ ने इस्तीफा दिया मध्य प्रदेश में क्योंकि उसके पास मेजोरिटी नहीं थी। मान लो कि जो बीजेपी है, बीजेपी के एमएलए भी नहीं प्रूव कर पाते हैं और बीजेपी भी गवर्नमेंट नहीं बना पाती है, तो क्या एमपी में प्रेसिडेंट रूल लगता, नहीं लगता, क्या होता वहां पे बताना जरा। तो इसी कारण से काफी सारे, मतलब काफी टाइम से न्यूज में रहा है प्रेसिडेंट रूल। पर कह रहा है कि इनमें से कौन से कंडीशंस सुटेबल हैं प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए। पहला, नो पार्टी हैज सिक्योर्ड मेजोरिटी इन अ स्टेट असेंबली आफ्टर जनरल इलेक्शन और इन द केस ऑफ हंग असेंबली। दूसरा, एलिगेशंस ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा, व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट परस्यूज पॉलिसीज डैट आर एंटी सेकुलर। 1, 2, 3 में कौन सा क्राइटेरिया है जब आप प्रेसिडेंट रूल अप्लाई कर सकते हैं, किसमें, राज्य में किस कंडीशन में कर सकते हैं। प्रेसिडेंट रूल, गवर्नर रूल एक ही बात है, गवर्नर के थ्रू प्रेसिडेंट रूल करता है। क्या आंसर है इसका, पहला तो कह रहे हैं कि कंफर्म है, वैभव कह रहे हैं कि सी सही है, सुल्ताना कह रही हैं कि बी सही है, श्रेया का आंसर है बी, सफी का आंसर है सी, डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट इन एमपी। तो एमपी में गवर्नमेंट कौन है भाई, तुम पूछ रहा, अगर कमलनाथ नहीं कर पाए प्रूफ, कांग्रेस नहीं बना पा रहा है गवर्नमेंट, बीजेपी के पास अगर मेजोरिटी नहीं रहती तो कौन बनाता गवर्नमेंट। राहुल कह रहे हैं 2-3 में कंफ्यूजन है। देखो पहला तो सही है, अगर कोई पार्टी मेजोरिटी नहीं प्रूफ कर पाती, अगर वहां पर होता है हंग असेंबली, तो प्रेसिडेंट अपना रूल लगा सकता है, ठीक है। दूसरा, माल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब करप्शन का इल्जाम लगा करके आप गवर्नमेंट को सस्पेंड नहीं कर सकते, ठीक है, करप्शन का इल्जाम लगा करके गवर्नमेंट को सस्पेंड नहीं कर सकते और वहां पर प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते, इसको दिखा करके, करप्शन दिखा करके। तो मेरा पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अगर एंटी सेकुलर पॉलिसीज परस्यू करती है, अगर एंटी सेकुलर पॉलिसीज फॉलो करती है, इम्प्लीमेंट करती है, तो ये हक रहेगा प्रेसिडेंट का कि उसको हटा करके वो अपना रूल लगा दे। क्यों, क्योंकि जो सेकुलरिज्म है ये क्या है, ये बेसिक फीचर है आपके संविधान का, क्लियर है। तो आंसर मेरा क्या हुआ, बी 1 और 3 ओनली आर करेक्ट। अगला मेरा सवाल है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। द प्रेसिडेंट मे इशू डायरेक्शंस फॉर रिडक्शन ऑफ द सैलरी ऑफ ऑल क्लास ऑफ पर्संस सर्विंग द यूनियन एक्सेप्ट द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज को छोड़ करके क्या सभी केंद्रीय सरकार के कर्मचारी का सैलरी घटा सकता है। दूसरा, रेजोल्यूशन फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड इट्स रिवोकेशन शैल बी पास्ड बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विथ अ सिंपल मेजोरिटी।
क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने के लिए और उसको हटाने के लिए जो रेजोल्यूशन है, क्या कोई भी संसद पास कर सकता है? क्या लोकसभा राज्यसभा पास कर सकता है? कोई भी विथ अ सिंपल मेजोरिटी ओनली? क्या सही है जी? ठीक है, सीएस जज इसे इंक्लूड होंगे, बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट जज का की सैलरी क्यों नहीं घटेगा? बिल्कुल घटेगा। ठीक, रहा बढ़िया आंसर है। देखो, सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी, हाई कोर्ट के जज की सैलरी, दोनों की सैलरी को घटा सकता है अगर वहां पर फाइनेंशियल इमरजेंसी इंट्रोड्यूस की गई है तो। कोई दिक्कत है? तो पहला तो गलत हो गया। मेरा पहला गलत हो गया। फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाने के लिए केवल सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। ठीक, पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है केवल सिंपल मेजोरिटी से, ओनली फॉर द प्रोक्लेमेशन। अगर हटाना है ना तो जरूरी नहीं परमिशन पार्लियामेंट का, प्रेसिडेंट खुद हटा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो मेरा दूसरा भी गलत हो गया। क्यों सर? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है फॉर इट्स प्रोक्लेमेशन एंड इट्स रिवोकेशन। मेरा पहला क्या था? पहला भी मेरा गलत था। क्या आंसर आया जी? डी, नाइदर वन नॉर टू आर करेक्ट। को दिक्कत है? नाइदर वन नॉट टू आर करेक्ट, दोनों के दोनों यहां पे गलत हैं। अगला मेरा सवाल है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया दुनिया का ओल्डेस्ट रॉक आर्ट कहाँ पाया गया है? दुनिया का सबसे पुराना जो रॉक आर्ट है कहाँ पाया गया है? लोथल, बराबर हिल, नंदासुर, हम्पी। क्या आंसर है इसका? ठीक है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रॉक आर्ट कहाँ पाया गया है? लोथल, बराबर हिल, मंदसौर, हम्पी। ये सवाल करंट अफेयर का है। कोई बात नहीं श्रेया, सुल्ताना ने कहा डी, सफी ने कहा डी, हम्पी। एक पेट्रोग्लाइफ रॉक आर्ट है जो मिला है मंदसौर में, मध्य प्रदेश में एक जगह है मंदसौर, मंदसौर जिला है, वहाँ पर ये मिला है। पेट्रोग्लाइफ जो रॉक आर्ट है कहाँ पे? जो दराकी चट्टान है वहाँ पे, तो मंदसौर में मिला है दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट रॉक आर्ट। मेरा यहाँ पर सी है जो सही है। बराबर हिल में आपका ओल्डेस्ट रॉक कट केव बना हुआ है, अशोक का, मतलब अशोक ने बनवाया था। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट गोल है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी का टू अचीव फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ द इंडियन रुपी? दिस बीइंग एडवोकेटेड बिकॉज, क्यों एडवोकेट किया जा रहा है फुल कन्वर्टेबिलिटी को? भारतीय करेंसी का जो फुल कन्वर्टेबिलिटी है, आखिर इसको क्यों एडवोकेट किया जा रहा है? अच्छा सर, अगर एडवोकेट किया जा रहा है तो मतलब हमारे पास नहीं है तब ना। हम लोग क्यों कर रहे हैं एडवोकेट? क्योंकि हमारे यहाँ केवल पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी है। ठीक, जैसे कि करंट अकाउंट पर हमारा करेंसी फुल्ली कन्वर्टेबल है, मगर कैपिटल अकाउंट पर हमारा पार्शियल
कन्वर्टेबल है। क्लियर है? अच्छा, क्या मतलब होता है कन्वर्टेबिलिटी का? कन्वर्टेबिलिटी मतलब कि करेंसी कन्वर्टेबिलिटी, करेंसी को आप कितनी आसानी से एक से दूसरे करेंसी में चेंज कर सकते हैं, इसे कहते हैं हम लोग करेंसी कन्वर्टेबिलिटी। ठीक है? कन्वर्टेबिलिटी ऑफ द रूपी विल स्टेबलाइज इट्स एक्सचेंज रेट। कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी विल स्टेबलाइज इट्स एक्सचेंज वैल्यू अगेंस्ट मेजर करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। इट विल अट्रैक्ट मोर फॉरेन कैपिटल इनफ्लो इन इंडिया। इट विल हेल्प टू प्रमोट एक्सपोर्ट। इट विल हेल्प इंडिया सिक्योर लोन्स फ्रॉम वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट एट अट्रैक्टिव टर्म्स। क्या सही मुझे बताना यहाँ पे? 1, 2 ABCD में से कौन सा सही है यहाँ पे? धर्मेंद्र कह रहे हैं सी। ठीक है, रिपू का आंसर है सी। वैभव, रिपू कुमार दोनों का आंसर है सी। क्या आंसर है जी? चलो देखते हैं इसको। जो करेंसी कन्वर्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप अपनी करेंसी को कितने आसानी से दूसरी करेंसी में या फिर गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कोई करेंसी कन्वर्टेबल होती है तो क्या होता है, ये रिस्क पोज करता है जो हमारा इनफ्लो है उस पर। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि जिस रफ्तार से वह करेंसी आया है, मतलब कि जिस रफ्तार से लोगों ने गोल्ड बेच करके अपना जो रुपी है वो खरीदा है, कुछ और जैसे कि लिया है, तो जो लिक्विडिटी बढ़ेगी, जो इंडियन मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, इससे क्या होगा, सब ठीक लग रहा है ना? सारा ऑप्शन यहां पर सही लग रहा है। करेंसी को अगर हम फुल्ली कन्वर्टेबल कर दें तो जिस रफ्तार से पैसा हमारे इकोनॉमी में आएगा वैसे जा भी सकता है, तो जो वॉलेटिलिटी है हमारे इकोनॉमी में वो बढ़ सकती है। समझ रहे बात? दूसरा, द फुल्ली कन्वर्टेबल करेंसी मीन्स डैट द रूपी इज फ्रीली एक्सचेंजेबल इन टू अदर करेंसी एंड गोल्ड बोथ। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर हम करेंसी को बना दें कन्वर्टेबल तो इससे हमारा जो ग्रोथ है वो बढ़ेगा और जो इन्वेस्टमेंट है और आएंगे। क्लियर है? तो दिस विल अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट। ये बात तो मेरा सही है, ठीक है, मगर इसके आने से एक्सपोर्ट बढ़ेगा वो कोई जरूरी नहीं है। इट विल इंडिया हेल्प सिक्योर लोन्स फ्रॉम द वर्ल्ड मार्केट, ये भी सही नहीं है। करेंसी कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी विल स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट, ये भी सही नहीं है। क्या आंसर है इसका? इट विल अट्रैक्ट मोर फॉरेन कैपिटल इनफ्लो इन इंडिया। ठीक है, अगला मेरा सवाल है, ये मैं रिविजन करवा रहा है, मैं दोबारा ये क्वेश्चन को, जैसे कि आपको दोबारा दे रहा हूं मैं ये क्वेश्चन आपको। आपके कंट्री का जो इनकम है वो रिडिस्ट्रीब्यूट होगा थ्रू टैक्सेशन प्रोग्रेसिव, एक्सपेंडिचर प्रोग्रेसिव। टैक्सेशन प्रोग्रेसिव, एक्सपेंडिचर रिग्रेसिव। टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर दोनों रिग्रेसिव, या टैक्सेशन रिग्रेसिव और एक्सपेंडिचर प्रोग्रेसिव, दोनों चारों में से कौन से केस में इनकम का होगा रिडिस्ट्रीब्यूशन? क्या आंसर है जी?
ठीक है। सफी ने कहा बी, अशोक क्या आंसर है जी? टफ लग रहा क्या है वाला? मैंने पहले डिस्कस किया तो है वाला आपको, टैक्सेशन प्रोग्रेसिव एक्सेप्शन, दोनों टैक्सेशन प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव दोनों, एक्सपेंडिचर प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव दोनों। क्या कौन चिप्स खा गया? बताइए। अशोक का आंसर है ए सुल्ताना, ए रिपू कुमार, बी श्रवण कुमार, बी अमन, बी वैभव, ए पंकज का आंसर है ए। चलो समझते हैं इसको दोनों में अंतर क्या है। अगर मैं कहूं टैक्सेशन प्रोग्रेसिव है, मतलब कि आपके इनकम बढ़ने के साथ साथ आपसे जो टैक्स वसूला जाता है ना वो बढ़ता है, मतलब कि जो रेट ऑफ टैक्स है वो बढ़ेगा अगर आपका इनकम बढ़ेगा। क्लियर है? अगर आप 5 लाख से कम कमाएंगे तो नो टैक्स, 5 से 10 कमाएंगे तो आपको टैक्स लगेगा 10%, उससे ऊपर कमाएंगे तो आपको टैक्स बढ़ जाएगा, टैक्स का रेट उससे ऊपर कमाएंगे तो टैक्स का रेट आपको और बढ़ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो जो इनकम है ये बढ़ने से जो रेट ऑफ इनकम टैक्स है वो बढ़ जाएगा, इसे हम कहते हैं क्या? टैक्सेशन प्रोग्रेसिव। तो ये तो होना ही चाहिए, तो मेरा यहाँ पर सी चला गया, अड्डी चला गया, टैक्स में होना चाहिए प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव। अब देखो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर अगर मेरा रिग्रेसिव है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज करता है विथ द इंक्रीज ऑफ इनकम, यही तो चाहिए। जो लोग अमीर हैं उस पर सरकार कम खर्चा करे, जो गरीब है उस पर सरकार ज्यादा खर्चा करे, यही चाहिए ना? तो क्या होना चाहिए? जो एक्सपेंडिचर है ये होना चाहिए रिग्रेसिव। कौन सा है जी? ये मेरा है बी में, केवल बी इज द करेक्ट आंसर। टैक्सेशन प्रोग्रेसिव, एक्सपेंडिचर रिग्रेसिव, तभी मामला यहां पर ठीक होगा। ठीक, चलिए अगला मेरा सवाल है एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। इसमें कौन सी बात फॉल्स है आपको यहां पर यह बताना है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपको यह बताना है। इट एम्स टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया, इट हैज 67 मेंबर आउट ऑफ विच 19 आर आउटसाइड एशिया एंड पैसिफिक। क्या आंसर है इसका? अच्छा, घर वाला चिप्स है वो, आलू का बनाते हैं जो वाला, क्या आलू को थोड़ा सा वो हल्का सा उबाल करके रगड़ करके फिर तेल में छानते हैं उसको, फिर डालते हैं मसाला ऊपर से। क्या आंसर है आपके एडीबी के बारे में? दोनों गलत है जी, बिल्कुल सही, दोनों गलत है। रिपू का आंसर सही है, दोनों गलत है क्या? पहला तो सही है, पहला तो ब्रॉड स्टेटमेंट है। इट एम्स टू प्रमोट सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया, कोई दिक्कत है यहां पे?
अच्छा, तो डाटा वगैरह इग्नोर करो, प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया, मेरा पहला सही है यहाँ पे, सेकंड गलत है, ठीक है, क्योंकि 48 जो है ना वो एशिया पैसिफिक से हैं और 19 आपके हैं जो बाहर से हैं, तो मेरा दो तो ऐसे भी गलत हो गया, अगर ऐसे देखें तो भी गलत है वाला। तो मेरा आंसर क्या है यहाँ पे, बी टू ऑनली इज इनकरेक्ट, पहला तो सही है। डाटा यहाँ पे सही कर लेना, एक मिनट रुक जाओ, डाटा चेक करो कि कितना है अभी एडीबी का, हाँ सिक्सटी एट ही तो है जी, डाटा जो है वो कहता है कि 68 मेंबर हैं ना कि 67 मेंबर, इसीलिए मेरा दूसरा गलत है, दिक्कत है, 67 नहीं है 68 है। चलिए आंसर मेरा क्या आ गया, आंसर मेरा बी आया, यहाँ पर सही कर लेना, 67 नहीं 68 है और 49 हैं आपके एशिया से। चलिए अगला मेरा है यूएनएससी, इसको पढ़ लेना, 6 में से एक ऑर्गन आपका कहलाता है यूएनएससी, में होते हैं 15 मेंबर, 5 तो हैं परमानेंट और 10 आते हैं आपके नॉन परमानेंट, केवल परमानेंट मेंबर के पास ही होता है वेटो पावर और बाकी जो हमारे 10 होते हैं ना नॉन परमानेंट वाले उसके पास वेटो पावर नहीं होता, केवल यही एक यूएन बॉडी है जिसका रेजोल्यूशन बाइंडिंग हो सकता है कंट्रीज पे, ठीक है, इसका तीन काम होता है, जो पीस कीपिंग ऑपरेशन होता है इसको मैनेज करना, इसको एस्टेब्लिश करना, जो सैंक्शन है इंटरनेशनल वो इम्पोज करना, और जो कलेक्टिव मिलिट्री एक्शन है वो लेना। मान लो कि किसी देश की एक्टिविटी वर्ल्ड पीस के लिए खतरा साबित हो रही है, मान लो कि नॉर्थ कोरिया है वो, तो उसके खिलाफ यूएन एक्शन ले सकता है, पहले लिया भी था, जो था ना साउथ, ये जो कोरियन वार था उसमें अमेरिका ने यूएन का जो कवर है वो लेकर के अटैक किया था। ठीक है, चलो अगला मेरा सवाल है मदन मोहन मालवीय के बारे में, क्या पूछ रहा है, वो संबंधित है इनमें से किन से, BHU, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदू महासभा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या आंसर है इसका, देखो जो BHU का जो मेन गेट है लंका पर बनारस में, वहां पर उनकी मूर्ति लगी हुई मदन मोहन मालवीय जी की, बनारस में जो लंका का इलाका है, लंका एक जगह है बनारस में, लंका वो श्रीलंका वाला नहीं, ठीक है ना, तो लंका का जो तिराहा है वहां पर मदन मोहन मालवीय जी की मूर्ति है वो लगी हुई है, ठीक है, वहीं पे BHU हॉस्पिटल भी है, तो जो दोस्त बनारस के होंगे उन्हें पता होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, कोई है बनारस का, मुकेश बी, राहुल का आंसर है डी, ठीक है, राहुल का आंसर है सही है, श्रद्धा का आंसर सही है, श्रेया पांडे, सफी अहमद, सही जवाब, क्लियर है, ये चारों के चारों से जो मदन मोहन मालवीय थे वो एसोसिएटेड थे, इन्होंने जो BHU है इसको उन्होंने फाउंड किया था
कांग्रेस के वो रहे हैं प्रेसिडेंट दो मौके पर, 1909 में और 1918 में। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी आया था, 1918 के एक साल बाद 1919 में चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, याद है। इसमें आपका जो स्पेशल इलेक्टोरेट है वो डाला गया था। इसमें क्या हुआ था जी, इसमें जो लेजिस्लेचर है सेंट्रल वाला वो बन गया था आपका बाइकैमरल। ठीक है, इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया 1934 में, वो मेंबर बने हिंदू महासभा के, क्लियर है। जो हिंदू महासभा का जो आपको हुआ था ना सेशन गया में 1922 में, उसके वो प्रेसिडेंट थे और 23 में भी बने थे प्रेसिडेंट हुआ। तो आपका BHU हो गया, महासभा हो गया, कांग्रेस तो हो ही गया, बच जाता है आपका हिंदुस्तान टाइम। उन्होंने HT के चेयरमैन के रूप में काम किया था 1924 से 1926 के रूप में। इन्हीं के एफर्ट से जो हिंदी एडिशन है आपका हिंदुस्तान दैनिक, ये पब्लिश होना शुरू हुआ 1936 से। इनको भारत रत्न का अवार्ड दिया गया था हाल में ही। तो 1, 2, 3, 4 चारों सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला मेरा सवाल है, जो रिवॉल्ट है 1857 का, उसके बारे में आखिर क्या क्या इसके कारण थे आपको ये बताना है। फॉर फीचर ऑफ द लैंड राइट ऑफ जमींदार, हाई लेवल ऑफ करप्शन इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों में कौन सी बात सही है मुझे ये बताइए यहां पे। सिंपल क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पर दोनों बातें सही हैं। जब जमींदार का लैंड नीलाम हो गया, जमींदार नीलाम हो गए तो ब्रिटिश के खिलाफ हो गए, है ना। जैसे कि आपका जो कुंवर सिंह थे वो मेरा पहला सही है। जो करप्शन था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में, ये भी एक असंतोष का कारण था। जो लोअर लेवल गवर्नमेंट थे, जो छोटे कर्मचारी थे ना, वो खूब करते थे करप्शन, तो इससे जो जनता उसमें असंतोष था। आपका यहाँ पर दोनों बातें हैं जो सही है, 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आपको अगर कोर्स बाय करना है तो कोड पता ही है आपको, SNLIVE जो कूपन कोड है आप यूज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल मेरा है @sumant, यहां पर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी क्लास है आज 9:30 से रात में स्पेशल वाली, तो उसको आइएगा, मिलेंगे वहां पर। हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ढेर सारे पोल के जरिए। आज क्लास है 9:30 पर स्पेशल, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।